सरकार द्वारा शुरू की गई जन्य शिशु सुरक्षा योजना का विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस तरह फलिता लगाया जा रहा है, इसी को एक वानगी देखने को मिली है। राजसमंद के भीम कस्बे में जहां देर रात बाइक पर अपने पति के साथ बरार उप चिकित्सालय जा रही थी, तभी 40 मील देव डोंगरी के पास हाईवे पर चलती बाइक पर ही संतान को जन्म दे दिया। दरअसल देर शाम परस्पर पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को भीम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी मामला बरार क्षेत्र को बताकर उसे बरार उप चिकित्सालय के लिए रवाना कर दिया। अस्पताल से रजिस्ट्रेशन होने के बाद पीड़िता को रेफर टिकट नहीं लिमिट पाया तो उसके चलते आधी रात को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसे में लाचार गर्भवती अपने पति के साथ बाइक पर बरार उप चिकित्सालय के लिए रवाना हुई। हाईवे पर 40 मील देव डोंगरी के पास उसे अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। उसने बाइक पर ही अपने पुत्र को जन्म दे दिया। उसके पति ने समझदारी का परिचय देते हुए बाइक को हाईवे किनारे रोका और अस्पताल को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद अस्पताल में ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर कमल नयन शर्मा खुद को बचाने लगे हैं। उनका कहना है कि गर्भवती महिला के पास जांच रिपोर्ट नहीं होने से उसे जांच करवाने के लिए भेजा गया था, जबकि महिला खुद अपने स्तर पर जांच बरार के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उसे प्रसव हुआ और उसे हाईवे पर नवजात को जन्म दे दिया। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर गिरधरीलाल गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच की गई, जिसमें परिजनों को खुद ही लापरवाही सामने आई है। मैंने रात को उसको अटेंड किया, उसके पास कोई भी जांच नहीं थी पूरे 9 महीने में, और एक सोनोग्राफी थी वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की थी, और उससे जब जांच मांगी गई तो उसने बोला मैं लेके आती हूँ, और बिना बताए ही हॉस्पिटल से निकल गई, और न तो उसने कोई पर्ची कटवाई, न कोई रेफर बनवाया, और न ही वो बिना पूछे चली गई। और जब देर रात ये सूचना मिलती है कि वो उसे एम्बुलेंस से वहाँ पर डिलीवर होके आती है, और उसने ये आरोप लगाया कि हाईवे पर डिलीवरी हो गई, तो ये न तो यहाँ से हमने उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाला है, और न ही कोई उसने हमने कोई उसको रेफर किया, और डिलीवरी होने के बाद भी हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया है, और फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। चार दिन मैं आया रात 2 बजे नहीं 11 बजे आया जो कहते कहवा कहते पहले वह जांच लेना, जांच तो एक ही जांच है खून की, तो कह सब जांच लेके आओ, जैसे मैं कह है ही बोल मैं भूल गया उतार उतार वो फिर कह कहते दल्ला रो बटन बरार दल्ला रो अंदर जाओ अटे नहीं आ मित्र जा जांच पूरी लेना हो। तो मैं गाड़ी पे मोटरसाइकिल ले गया, तो रास्ता में थोड़ी रोकी गाड़ी, रास्ता में हो गया डर बराबर देव ढूंढ। क्या लगती है आपको? भाभी। क्या नाम है? लीला। कहाँ के रहने वाले? हाँ बरार हमला की। फिर यहाँ कैसे आए? वापस डिलीवरी रास्ते में हो गई तो? वापस एम्बुलेंस के फोन किया। फिर वापस लेके आ गए। फिर वापस पे यहाँ पर भर्ती है। इस संबंध में जांच की गई है और जानकारी भी ली गई। वो पेशेंट 1 बजे यहाँ अस्पताल में आया है, और डॉक्टर कमल द्वारा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ संस्थान पर, उन्होंने देखा है, उन्होंने पर्चियाँ वगैरह मांगी है, तो वो पेशेंट इसके बाद में उनके पास में नहीं आया है, और इसके बाद में जब वो आया है तो डिलीवर होके आया है। अब वो यहाँ से कैसे गया, क्यों गया, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ किसी को धक्का दे के निकाल दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल कोई पेशेंट को यहाँ से धक्का दे के नहीं निकाला जाता, ये सरासर गलत। अभी क्या स्थिति है पेशेंट? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। जानकारी